रीवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेश शर्मा ने की प्रेस वार्ता। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इंजीनियर राजेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। साथ ही उन्होंने रीवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस के शीर्ष चुनाव समिति का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी रीवा और प्रदेश में अपना परचम लहराएगी और 3/4 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। पत्रकार वार्ता में इंजीनियर राजन शर्मा के साथ रीवा शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल सहीद मिस्त्री भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं रीवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर राजन शर्मा का बयान। मैं अखिल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सब के कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री राहुल गांधी और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हम सब के जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे मध्य प्रदेश के सभी नेताओं का और हमारी जो चुनाव समिति है उसका इस आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इसलिए लायक समझा कि कांग्रेस पार्टी का 2023 में रीवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मैं कांग्रेस पार्टी को और रीवा की जनता को इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस उद्देश्य से पार्टी ने मुझे टिकट दिया है उसे पूरी कर्मठता के साथ और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। हम रीवा विधानसभा के साथ साथ जिले की अन्य 5 विधानसभा और महुगंज जिले की 2 विधानसभा, कुल मिला के 8 विधानसभा चुनाव यहां जीतेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 3/4 से ज्यादा सीटों के साथ हम कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे